ओम साईराम एवरीवन। ओम साई राम मैम। राम मैम, ओम साई राम मैम, हेलो ओम साई राम मैडम। ओम साई राम, ओम साई राम। I welcome you all to my webinar once again. मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, सीईओ ऑफ साईराम क्रिएशंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या अगर हमें पता हो कि हम किसी डिजीज से या किसी प्रॉब्लम से वनरेबल हैं, हमें पहले से ही पता चल जाए, तो क्या हमारी लाइफ कुछ ज्यादा ही ईजी और स्मूथ नहीं हो जाएगी? अगर हम 2020 का ही एग्जाम्पल लें, जब हमें पता था कि हमें कोविड हो सकता है और हमने प्रॉपर मेजर्स भी लिए, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग करना हो या फिर अदर रेमेडीज हो, वो करके हमने अपने आप को बचा लिया। सिमिलरली अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमें ये हेल्थ इश्यूज हो सकता है, हमें ये हेल्थ डिसीज हो सकता है और हम उसको क्योर कर लें, हम उसकी रेमेडी कर लें, या फिर अगर हमें पता भी हो कि हम किस प्रॉब्लम के प्रोन है, राइट, अकॉर्डिंग टू आर नंबर्स, तो क्या हम उस अप्रोप्रिएट डाइट लेकर या फिर उस नंबर की फास्टिंग कर या फिर अदर रेमेडीज करके हम उस प्रॉब्लम को क्योर कर लें? इससे बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है, राइट? तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी, यस, आप सबने सही सुना, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज Also helps us to predict medical condition of everyone. अभी तक तो आप लोगों ने medical astrology ही सुना होगा, because medical astrology में हमारे पास 6-8-12 घर होते हैं, हमारे पास नक्षत्रास होते हैं, राहु केतु का aspect होता है, तो वहाँ पे बहुत easy है predict करना किसी की medical condition. But अगर हमें किसी का time नहीं पता, हमें सिर्फ date of birth पता है, तो by date of birth only, by using date of birth, हम कैसे किसी की medical condition predict करें? हम कैसे बताएं कि आप कौन से डिजीज के वल्नरेबल हो या इस ईयर में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी केयरफुल। तो कैसे हम उनको हेल्प करें? तो जैसे मेडिकल हम लोग दशा अंतर दशा यूज करते हैं, सिमिलरली मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग किसी की दशा अंतर दशा, न्यूमेरिक दशा की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल दशा, मैं कुंडली की बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आप लोगों को दशा अंतर दशा निकालना सिखाऊंगी मेडिकल। एक्सक्यूज मी मैम, पहले मैम, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आप जो छोटी छोटी वीडियोस और रेमेडी की डालते रहते हो, लोगों को एजुकेट करते रहते हो और लोगों को बहुत फायदा भी हो रहा है मैम, उससे बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी मैम आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेट। एंड मैम, मैं और मैं आपको बताना चाहूँ इसके लिए कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योतिष जो है ओडिशा में, वहां से भी आपको 4 अवार्ड जो मिल रहा है इंटरनेशनल, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हार्टली मैम, कांग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है एकता जी, वो कल के वो उन्होंने मेरे से रेमेडीज का कोर्स किया था, उन्होंने जब वो रेमेडीज यूज करी और बहुत लोगों को फायदा हुआ, तो इसीलिए इंटरनेशनल अवार्ड वो देने के लिए मुझे कल बोल रहे थे मेरी क्लास में। एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ओडिशा में, तो वो लोग बता रहे थे मुझे कि वो लोग अवार्ड दे रहे हैं इंटरनेशनल। थैंक यू सो मच एकता जी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच मैम। मिस्टर होटा जी हैं वहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने ये बात कल अनाउंस की थी, थैंक यू होटा जी अगर आप हैं आज की मीटिंग में तो। एंड यस, हम लोग आप लोगों को, वैसे भी मेरी कोशिश यही रहती कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं, आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन नहीं भी कर पाते, देन ऑल्सो आई कीप ऑन गिविंग सम रेमेडियल मेजर्स, कुछ छोटे छोटे टोटके उपाय करके जिससे हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, मैं पोस्ट करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप लोग हमें फॉलो करिए, न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन मेरे पेजेस का नेम है। एंड आप लोग वहाँ पे, आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी इवेंट पूछना है अपना, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स ओवर देयर, बिकॉज जब आप लोग व्हाट्सएप करते हैं तो आप लोग की क्वेरीज जो है वो नीचे नीचे दबती जाती है, बिकॉज बहुत सारे कॉल्स आते हैं एवरी डे,
और काफी सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, तो क्वेरीज आती रहती हैं, तो आप लोग की क्वेरीज कहीं छुप जाती हैं, तो प्लीज कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल और माय इंस्टाग्राम पेज, तो वहां पर मैं आप लोगों के जवाब जरूर दूंगी, बिकॉज मेरी सारी सोशल साइट्स मेरे लैपटॉप में अपडेट रहती हैं, तो वहां से मैं आप लोगों के साथ अप्रोच भी इजीली कर सकती हूँ और हम बात भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात आप लोगों से कर रही थी, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आई हूँ, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ नंबर्स की बात करेंगे कि नंबर्स को यूज करके हम कैसे किसी का मेडिकल इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मेडिकल कंडीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड विथ साई बाबाज ब्लेसिंग, थैंक यू बाबा, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट साइरम क्रिएशंस इज द ओनली कंपनी, ओनली इंस्टीट्यूट विच इज टीचिंग मेडिकल न्यूमरोलॉजी, और हमारा सक्सेस रहा काफी मेडिकल न्यूमरोलॉजी में, काफी सारे बच्चों ने करा साइरम क्रिएशंस का ये कोर्स, और बहुत उन्होंने हेल्प भी करा लोगों को उनकी मेडिकल कंडीशंस ठीक करने में, डिजीज ठीक करने में, तो इससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती अगर हम किसी की मेडिकल कंडीशन इम्प्रूव कर पाए, बिकॉज आफ्टर ऑल हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, और अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, हमारे पास कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, हमारे कितने भी बिजनेस क्यों ना रन कर रहे हो, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी सबके लिए अपनी हेल्थ ही होनी चाहिए, इजंट इट? ओके, माय कॉन्टैक्ट नंबर, रूप जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8377091209995843। यस महक जी, ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, आप लोग हमारे पेजेस को फॉलो करिए, आप और लोगों को भी करवाइए, बिकॉज आई कीप ऑन हेल्पिंग पीपल बाय पोस्टिंग सम छोटी छोटी, इंस्टा पे भी मैं 30 सेकंड्स की वीडियोस डालती रहती हूँ टू हेल्प यू पीपल, जितना मैं कर सकूं इन स्पाइट ऑफ माय बिजी शेड्यूल। तो आप लोग खुद भी एजुकेट होइए, खुद भी ट्राई करिए और लोगों को भी करवाइए। इंस्टा पेज नेम, यूट्यूब पेज नेम एंड फेसबुक पेज नेम इज न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन, तो एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बिकॉज कुछ बहुत ही इफेक्टिव लाल किताब रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ बाय द एंड ऑफ द सेशन, और जो लोग हमारे वेबिनार ज्वाइन करते हैं उनको हम स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स भी देते रहते हैं, तो आई विल बी रिवीलिंग एवरीथिंग बाय द एंड, सो स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि यस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो हम किसी की भी दशा अंतरदशा इजीली ऐप में भी आ जाती है ना, जो एस्ट्रोसेज ऐप है क्या अभी तक तो मैं दशा अंतरदशा हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में सुनी थी, तो क्या हम बिना टाइमिंग बताए, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हम टाइमिंग बता देते हैं ना मैम, तो बिना टाइमिंग बताए क्या हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से निकाल पाओगे दशा अंतरदशा? यस, मैं यही आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो मैं टीच भी करती हूँ अपने कोर्सेज में, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द ओनली टूल इन न्यूमरोलॉजी। अगर आपने किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी करी होगी दैट्स वेरी गुड, हर न्यूमरोलॉजी अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें ब्लेसिंग्स देती है, लेकिन मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज द ओनली साइंस जिसमें आप लोगों को हम महादशा अंतरदशा निकालनी सिखाते हैं, और उसी से हम लोग इवेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस इन न्यूमरोलॉजी, आप लोगों ने सब सुने ही होंगे, यूट्यूब पे भी बहुत भर भर के पड़े हुए हैं, बट इन स्पाइट दैट वी टीच 51 स्पेशल कॉम्बिनेशंस जो आप लोगों को कोई नहीं कराता, सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही वो पॉसिबल है करने, तो वो तो हमारा न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स है ही है, लेकिन अभी मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आप लोगों के लिए वर्कशॉप लेकर आई हूँ, क्योंकि जो लोग बिग ग्रैंड कोर्स नहीं कर पाते प्रोफेशनल कोर्स, एटलीस्ट मेडिकल कंडीशंस तो अपनी और अपने नियर वंस की ठीक करके उनको बेटर कर पाएं, और बिकॉज अगर हम किसी की मेडिकल कंडीशन ठीक कर पाते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स तो जरूर मिलती ही हैं, तो लेट्स गैदर ब्लेसिंग्स एंड लेट हेल्प ईच वन ऑफ अस टू गेट आवर मेडिकल कंडीशन बेटर, है ना, बिकॉज एक डॉक्टर जो है वो आपको ट्रीट करता है, वो आपको दवाइयों से ठीक करता है, मेडिसिन से ठीक करता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट वो आपको रेमेडीज से ठीक कर सकता है, और अगर आप कोई मेडिसिन खा भी रहे हैं, आप बहुत टाइम से खा रहे हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसकी मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपको वो एक या दो महीने के लिए टेम्परेरी रिलीफ तो दे देगी, बट इफ योर बैड दशा इज गोइंग ऑन या सम बैड कॉम्बिनेशन इज बीइंग फॉर्म्ड इन योर चार्ट, तो वो प्रॉब्लम जो है वो प्रोलॉन्ग होगी, महीने दो महीने बाद फिर आ जाएगी,
लेकिन अगर हम अपनी वैदिक रेमेडीज करके या मैं इसको हर्बल रेमेडीज बोलती हूँ बिकॉज इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो अगर हम अपनी वैदिक रेमेडीज करके हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें किस दिन की क्या रेमेडी करनी चाहिए, कौन से नंबर से हमें डिजीज हो रहा है, अगर हमें वो पता चल जाए और हम उसकी रेमेडी कर लें तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी और हमारी मेडिकल कंडीशंस काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है, राइट? तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स. मैं अब आपको हर एक नंबर से रिलेटेड कुछ जनरल प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ, ठीक है? बिकॉज इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम कुछ डिटेल में करें, वो तो हम अपने कोर्स में आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे, बट आज मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स से रिलेटेड जनरल प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ और आप लोग रिलेट करिएगा अपने साथ. जैसे कि एसआर के तो का तो मोटिव ही यही है, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड न्यूमरोलॉजी का तो पर्पस भी यही है, टू ब्रिंग होप्स एंड स्माइल ऑन फेसेस ऑफ पीपल. तो हमारा भी पर्पस यही है, वी आर ट्राइंग टू डू दैट, एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई माय सेल्फ टुडे. चलिए लेट्स स्टार्ट. ओम साई राम. नंबर वन की बात करते हैं. जैसे कि सूर्य का नंबर है, अभी हैंड रेस मत करिए आप लोग, ठीक है? आशीष जी प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, डोंट वरी. नंबर वन की अगर हम बात करें, सूर्य का नंबर है जैसे सन का नंबर है ये, तो नंबर वन वाले जो हैं इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों रहती है आई साइट की, हेडेक्स की? इनको टॉप पे जाना है, इनको लोअर पोजिशंस तो बर्दाश्त ही नहीं है, दे कैन नॉट वर्क अंडर प्रेशर, इनको टॉप पोजीशंस चाहिए, तो इस वजह से इनको नहीं अगर मिला वो, क्योंकि इनको अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट लेने हैं, ये किसी के अंदर काम नहीं कर सकते. तो अगर नंबर वन वाले को वो चीज़ नहीं मिली जो उनको चाहिए, तो दे मे हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेडेक्स, आई साइड प्रॉब्लम भी इनको हो जाती है अगर कोई बैड कॉम्बिनेशन वन के साथ फॉर्म हो रहा है. क्योंकि देखिए नंबर वन और नंबर टू, सन और मून, दे आर द ओनली टू ल्यूमिनस प्लैनेट्स. अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो दो इकलौते ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ल्यूमिनस हैं, है ना, जो लाइट का कारक है. तो सिमिलरली हमारी आईज भी लाइट का कारक ही होती है. तो नंबर वन अगर किसी के चार्ट में एफ्लिक्टेड है, तो इन दैट केस उनको आईज और हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम. क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको बोला जाता है ना आप सनलाइट में बैठिए. क्यों बोला जाता है? बिकॉज सन जो है उसमें भरपूर विटामिन डी होता है. तो अगर नंबर वन एफ्लिक्ट हो गया आपके चार्ट में, तो आपको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. अब हार्ट जो है इसका सिर्फ नंबर वन कारक नहीं है, नंबर वन जो है ये हमारे हार्ट का तो कारक है ही है, लेकिन उसके अलावा नंबर टू भी है, नंबर थ्री भी है और नंबर नाइन भी है. तो अगर हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब अगर किसी को हार्ट सीवियर प्रॉब्लम है, तो खाली नंबर वन नहीं देखेंगे, इन दैट केस हम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे. तो इसीलिए हम अपने मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में अराउंड 20 कॉम्बिनेशन हमने कवर किए हैं. कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को हमने कवर किया है कि वो क्यों किस नंबर से देखेंगे और क्यों होते हैं, तो वो तो हम अपने कोर्स में बात करेंगे. बट नंबर वन जो है वो मेन कारक है हार्ट डिजीज का. माइग्रेन, जैसे अभी मैंने हेडेक्स की बात करी, राइट आई, ठीक है, तो नंबर वन इज फॉर राइट आई एंड नंबर टू इज फॉर लेफ्ट आई. बीपी की प्रॉब्लम, बिकॉज ब्लड के कारक भी हैं ये हमारी बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है नंबर वन वालों को, ठीक है. अब बात आ रही है कि बेसिक या डेस्टिनी, इट कुड बी बेसिक, हाँ या नीतू जी, इट कुड बी अकॉर्डिंग टू बेसिक और इट कुड बी अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी ऑल्सो. तो डिपेंड करता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज हुई है या नहीं हुई, या जो आपके चार्ट में अभी दशा आई है या अंतरदशा आई है. बिकॉज अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वैदिक की, तो जो हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं उसमें तीन नंबर्स और ऐड होते हैं, हमारे नेटल ग्रिड तो है ही है, तीन नंबर्स और ऐड होते हैं, महादशा नंबर, अंतरदशा नंबर एंड प्रत्यंतर दशा नंबर. तो जब ये नंबर ऐड होंगे तो क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से डिजीज होता है. क्योंकि अगर कोई नंबर वन से रूल कर रहा है इधर बेसिक और डेस्टिनी, तो ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम उसको बोन्स प्रॉब्लम रहेगी, लाइफ टाइम हार्ट प्रॉब्लम रहेगी, लाइफ टाइम माइग्रेन रहेगा या लाइफ टाइम बीपी रहेगा, राइट? तो प्रॉब्लम कब बढ़ेगी, प्रॉब्लम कब दिखेगी, इन दशा और अंतरदशा ऑफ दैट नंबर, ठीक है. क्योंकि कभी कभी नंबर जो है वो ब्लेसिंग लेके भी आता है, तो वो भी हम अपने कोर्स में सीखेंगे कि मैलिग्नेंट नंबर कैसे हम लोग देख सकते हैं. क्योंकि मैलिग्नेंट ईयर में हमें या तो हमें डिजीज बढ़ेगा या डिजीज कम होगा, वो भी अपने कोर्स में डिटेल में करेंगे.
एंड आई होप यहाँ पर सबको बेसिक और डेस्टिनी नंबर की नॉलेज है, मूलांक और भाग्यांक जिसको आप लोग बोलते हैं. कोई है यहाँ पर जिसको ना पता हो कि बेसिक डेस्टिनी क्या होता है? मैं क्रिकेट हो सकता है यार, थोड़ा सा फटाफट बेसिक और डेस्टिनी के लिए. ओके चलिए मैं क्विकली बता देती हूँ क्या होता है बेसिक और डेस्टिनी. बेसिक नंबर इज योर मूलांक, है ना, जो आपका जिसपे जो आपका बर्थडे जिसपे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो डेट है खाली, दैट इज योर बेसिक नंबर. तो अगर वो सिंगल है तो फिर तो इट्स ओके, वही आपका बेसिक नंबर है. अब वो अगर डबल डिजिट में है, कंपाउंड नंबर है, तो आप उसको सिंगल लेकर आओगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर बोर्न ऑन 25, देन योर बेसिक नंबर इज 7. इफ यू आर बोर्न ऑन 13, योर बेसिक नंबर इज 4. तो 1+3, 4, 2+5, 7. तो ऐसे निकला बेसिक नंबर. अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करें, तो डेस्टिनी नंबर यानी कि जिसको आप लोग भाग्यांक बोलते हो, आप कंडक्टर बोलते हो, दैट इज सम ऑफ योर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम करेंगे, एक कंपाउंड नंबर आएगा, उसको अगेन हम सिंगल डिजिट पे लेकर जाएंगे, दैट विल बी योर डेस्टिनी नंबर, जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, हम भाग्यांक बोलते हैं. जैसे 25 जनवरी 1985, अगर हम ये डेट ऑफ बर्थ लें, तो हमारा डेस्टिनी नंबर क्या हो गया, 2+5, 25 का 2+5+1 जनवरी का +1+9+8+5 ये ईयर का. हम इसको पूरे को टोटल करेंगे तो आएगा 31. 31 को हम अगेन 3+1 करेंगे तो आया 4. तो 4 इज द डेस्टिनी नंबर, आप इसको भाग्यांक बोलो, कंडक्टर बोलो, ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ. सिमिलरली आपकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको पूरा टोटल करिए, सिंगल That will be your conductor or bhagyan, whatever you can say. ठीक है, सबने अपना निकाल लिया basic destiny. प्रवीण जी आप अपना basic destiny निकालिए. और अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर कंसल्टेशन नहीं दे रही, आज हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी की. ओके चलो, तो अब जिनका भी यहाँ पर बेसिक या डेस्टिनी वन है, यानी कि ये सन से रूल हो रहे हैं, दे कैन रेज देयर हैंड्स. प्लीज रेज योर हैंड्स ऑल दोज हु आर बोर्न ऑन हु हैव बेसिक और डेस्टिनी वन, रेस्ट प्लीज डाउन योर हैंड्स. प्लीज रेज योर हैंड्स जिसे बेसिक और डेस्टिनी वन है. मिथिलेश आईफोन जी अनम्यूट करिए. यस यस मैम. हाँ जी मैम, बताइए क्या है आपका नंबर? 81. ओके, तो क्या आर्थराइटिस बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है? यस मैम. डाइजेशन प्रॉब्लम है? यस मैम. दवाई ले. हाँ जी. हाँ तो मैम, ये आपको नंबर्स की वजह से ही है. मैं रेमेडी भी बता देती हूँ नंबर वन वालों को क्या करनी है. हाँ जी मैम. ठीक है, एक तो नंबर वन वालों को सूर्य देवता को जल देना है, एवरी डे सूर्य देवता को जल देना है. अब जल कैसे देना है मैं वो भी बता देती हूँ, बिकॉज बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जो सालों से सूर्य देवता को जल दे रहे हैं, ठीक है, बट पता नहीं डिजायर रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे. तो लेट मी टेल यू सूर्य देवता को जल कैसे देना है. सबसे पहले तो जब आप सूर्य देवता को जल दोगे तो कॉपर के लोटे में देना है, ये तो सबको पता है, हम सबको मोस्टली पता है. लेकिन जब हम जल दे रहे होंगे तो जो लोटा है दैट शुड बी अबव आवर हेड, और जो वो पानी गिर रहा होगा, पानी का और हमारी आइस का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, सन को देखते हुए पानी और आइस का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बिकॉज इससे कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है. तो दैट इज द आइडियल वे कि हमें सूर्य देवता को जल कैसे देना है. और जब हम सूर्य देवता को जल दे रहे हैं तो ट्राई टू चैंट 11 नेम्स ऑफ सूर्य देवता. ओम आदित्याय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम सूर्याय नमः. ठीक है, जितने भी आप नेम चैंट कर सकते हो, एटलीस्ट 11 नेम्स तो आप चैंट करो सूर्य देवता के, टू प्लीज हिम, राइट. दूसरा, नंबर वन वालों को क्या करना है, दे शुड वेयर अ रेड जैस्पर और रेड वेंचराइन ब्रेसलेट. ठीक है, और संडे के संडे गाय को गुड़ की रोटी जरूर खिलानी, नंबर वन वालों को. ठीक है मिथिलेश जी? यस मैम, थैंक यू मैम. ओके, ये रेड मैम, रेड जैस्पर के साथ क्या और क्या बोलना था जी ने? रेड और रेड जैस्पर. अच्छा, गाय को गुड़ की रोटी खिलानी है. जी जी जी,
थैंक यू मैम, थैंक यू। अनु जी, अनु वडेरा जी। और क्या प्रॉब्लम है नंबर वन की? इनमें से है मुझे बोन की प्रॉब्लम है मैम, बीपी की प्रॉब्लम है, बस दो चीजें हैं। अच्छी बात है, ना ही हो सारी। तो थैंक यू फॉर कंफर्मिंग सबसे पहले तो, और आप भी नंबर वन की रेमेडी करिए जो भी मैंने बताई है। राइट मैम, मैं नंबर टू भी हूँ मैम। तो अभी नंबर टू आने वाला है इसके बाद? जी जी, नंबर वन होने की वजह से आपको नंबर वन की प्रॉब्लम्स तो है ही ना? जी मैम, यस मैं कंफर्म करती हूँ, मुझे इसकी बीपी की दिक्कत भी है और आईज की प्रॉब्लम भी मुझे है, बोन्स भी है मुझे। जी 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 जी, तो अभी नंबर वन की मैंने रेमेडी बताई, आप वो करिए, और एक मैं लास्ट में भी कुछ रेमेडी शेयर करूंगी तो आप वो भी करिएगा। राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके प्रवीण जी। ओम साई राम मैडम। ओम साई राम प्रवीण जी। मैडम है मेरी बेटी का जो डेट ऑफ बर्थ है 4/22 अगस्त और सी है 1। ओके हाँ जी, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है ना? हाँ जी। तो क्या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होगी? हाँ, वो गिरती रहती है, कभी पांव में हड्डी में लगी, कभी कहीं कभी कहीं गिरती, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। 1 और 4 वालों को तो स्पेशली आती है बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसको थायराइड वगैरह भी है। थायराइड तो मैम 1 नंबर से नहीं है, वो कोई और नंबर है उसके लिए, बट 1 जो है वो बोन्स की प्रॉब्लम जो है 1 की वजह से। हाँ, कभी ना कभी गिरती रहती है, कभी पैर में चोट, कभी कहाँ चोट, कभी कभी अभी गोडे में लगी हुई है। अच्छा, ओके ओके, चलिए मैम आप करिए नंबर वन की रेमेडी जो भी मैंने बताई है। ठीक है मैडम, मुझे ही चाहिए उसको। हाँ जी हाँ जी मैम, क्या नंबर टू की तरफ प्रोसीड करें? हाँ, नंबर टू की तरफ प्रोसीड। एक दो और क्वेरीज ले लेते हैं नंबर वन वाले की। जिनका हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, प्लीज अपने नेम के साथ ज्वाइन करिए। ये मैं नंबर्स देख रही हूँ 760555, प्लीज नंबर्स के साथ ज्वाइन मत करिए। हाउ विल आई एबल टू कम्युनिकेट? मैं अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ से आपसे बात करूंगी तो कैसा लगेगा आपको? ओम जी बताइए। हेलो, यस ओम जी। अरे मैम, मेरा साइकिक नंबर 1 और डेस्टिनी 7। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है नंबर 1 की आपको? नंबर 1 से रिलेटेड अगर देखते हैं तो फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, राइट आई में तो इतना कुछ लग नहीं पाता है मुझे, बट ऐसा तो नहीं कुछ है फिलहाल। ओके, तो आपको इंटरनल प्रॉब्लम है या पाइल्स प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, पाइल्स का नहीं है, बट अभी हाल ही में मुझे थोड़ा उसका साइटिका का कुछ वैसा हो रहा है प्रॉब्लम। तो साइटिका बोन्स तो प्रॉब्लम है? हाँ, लेफ्ट लेग में। तो बोन्स की बात करी तो अभी अपने नंबर 1 में। हाँ हाँ, तो इसके लिए मैं फिर यही रेमेडी करनी है मैम? जी जी, नंबर 1 की ही रेमेडी करूँगा। और इसमें आपने जास्पर के साथ में क्या बताया था? रेड एवेंचुराइन। पार्डन? रेड एवेंचुराइन। ओके, थैंक यू मैम। वैष्णवी जी। मैम मेरा डेस्टिनी नहीं, बेसिक नंबर 2 है। बेसिक नंबर 2 है? हाँ। तभी तो हम 1 की बात कर रहे हैं वैष्णवी जी। ओके, 2 में आप बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो अभी तो देखिए हम लोग जनरल ही कुछ 5-6 डिजीज की बात ही कर रहे हैं जो अपने कोर्स पे, तो हम 15-20 डिजीज ऑफ ईच प्रॉब्लम करने वाले हैं।
तो जनरल डिजीज में भी हमने देखा कि काफी लोगों की प्रॉब्लम लग रही है अकॉर्डिंग टू नंबर्स, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो डेस्टिनी हो, मूलांक हो या भाग्यांक हो, लेकिन प्रॉब्लम लग रही है. तो ऐसे अभी सिर्फ हमने नंबर्स की बात करी, जब हम अपने कोर्स में डिटेल में कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप लोगों को डिटेल में समझ आएगा कि कैसे हम नंबर्स को रिलेट करते हैं प्रॉब्लम से. ठीक है, तो अब नंबर टू की बात करते हैं. नंबर वन के अभी भी काफी सारे हैंड रेज हैं. रवि जी, रवि कुमार जी, नमस्ते मैडम जी. बताइए सर, क्या है जी? मेरे जीता जी है, उनके बारे में पूछना था मैडम. नंबर बताइए सर. नंबर मैडम जी बेसिक 6 है, डेस्टिनी 2 है. तो अभी तो 1 की बात हो रही है, मैंने बोला तो नंबर 1 के वाले ही हैंड रेस करेंगे खाली. सॉरी मैडम. ठीक है, आप नंबर 6 या 2 की बात होगी तब आप हैंड रेस करें. ठीक है. कृष्ण कुमार जी, बताइए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. मनदीप सोडी जी. मैम, मेरी बेटी का है, मूलंक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है, लेकिन सबसे सारे रिलेटेड है, बोन, हार्ट, माइग्रेन, राइट आई, आई बीपी, सब कुछ है उसको. अभी वो 30 इयर्स की है, बट सब कुछ है उसको, राइट, सब कुछ ठीक है. यस मैम, बिकॉज बेसिक और डेस्टिनी दोनों ही 1 है, तो 1 का ज्यादा इफेक्ट आएगा उनके ऊपर. यस मैम. कई लोग कहते हैं कि 1 होना इज अ ब्लेसिंग, बट अगर बेसिक और डेस्टिनी दोनों में 1 है तो देख, आप ही अपना खुद ही टेस्टिमोनियल देंगे कितनी सारी प्रॉब्लम है उनको. बिल्कुल सारी प्रॉब्लम है मेरी बेटी में. तो मैम, ये सब रेमेडी तो आप उनको कराइए ही कराइए, और साथ में मैं उनको सूर्य का यंत्र कस्टमाइज करके दे सकती हूँ. सॉरी, शी कैन चैंट, मतलब उसकी विधि फिर आपको बता देंगे, वो स्पेशल मुहूर्त में बनाया स्पेसिफिक प्रॉब्लम. ओके मैम. तो अब नंबर 2 पे प्रोसीड करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं. ठीक है, नंबर 2 जैसे कि चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा के हमने देखे कितने फेजेस होते हैं, 15 दिन ढलता है, 15 दिन बढ़ता है ना, और कितने मूड स्विंग्स होते हैं. सिमिलरली नंबर 2 वाले पीपल जो हैं, ये भी इनके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं. 15 दिन ये हंस रहे होंगे, 15 दिन ये मुंह बना के रह रहे होंगे, बिना किसी बात के इनके मूड स्विंग्स रहते हैं, इनको डिसीजन प्रॉब्लम्स रहती हैं, और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये लोग. तो इस वजह से इनका जो माइंड है वो बहुत प्रेशर में रहता है. ठीक है, बिना बात के टेंशन लेनी, ये इनकी नेचर है. तो इनको माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत रहती है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं इनके अंदर, सेंसिटिव बहुत होते हैं ये लोग. और जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो कोल्ड कफ, बिकॉज मून इज द प्लैनेट ऑफ शीतलता प्रदान करता है, हमें ठंडक देता है ना, तो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम इनको बहुत फ्रीक्वेंटली लगी रहती है. जैसे ही वेदर चेंज हुआ नहीं, और इनको खांसी जुकाम शुरू, इम्यूनिटी लो होती है बॉडी की. और वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम भी, बिकॉज चंद्रमा इज द कारक ऑफ लिक्विड इन आवर बॉडी, तो वाटर बॉर्न जो जितने भी डिजीज है वो नंबर 2 वालों को होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बिकॉज इट रूल्स आवर लंग्स एरिया, तो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम. और 2 नंबर भी कहीं ना कहीं कारक है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का, तो अगर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है तो इन दैट केस हार्ट रिलेटेड इशू ज्यादा देखे गए हैं. 3 और 9 भी रिस्पॉन्सिबल है वैसे तो, बिकॉज 2 बॉडी में लिक्विड का कारक है, और ब्लड जो है इट्स अ लिक्विड. तो जितने भी नंबर 2 वाले हैं उनको भी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है. लेफ्ट आई में अगर प्रॉब्लम है तो नंबर 2 ही उसका कारक है. तो जब हम आईज की बात कर रहे हैं, अब जैसे नंबर 1 में भी हमने आईज की बात करी और नंबर 2 में भी हमने आईज की बात करी, तो दोनों ही ल्यूमिनस प्लैनेट है. जैसे भी मैंने आप लोगों से बात करी कि सन और मून जो हैं ये दोनों ल्यूमिनस प्लैनेट हैं, रोशनी के कारक हैं दोनों. और अगर किसी की आईसाइट वीक है तो वो क्या रेमेडी करें, कि स्पेशली आईज के लिए मैं आप लोगों को कुछ रेमेडी बता दूं, बिकॉज मुझे ये क्वेरीज भी काफ़ी आती है कि आजकल बच्चे भी बहुत ऑनलाइन, उनका बहुत बढ़ गया है देखना, और एक्सपोजर बहुत हो गया है लैपटॉप से, फ़ोन से, तो क्या रेमेडी कर सकती हैं हमारी मदर्स भी कि बच्चों की आईसाइट वीक ना हो,
इन स्पाइट ऑफ नंबर वन एंड टू और भी बाकी नंबर्स की भी आईसाइट वीक हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर मोर एक्सपोजर ऑन ऑनलाइन एंड सोशल साइट्स. तो क्या करना चाहिए, एक तो जो बच्चे हैं व्हेन इन द मॉर्निंग जब वो उठते हैं वो गागल वगैरह करते हैं तो अपने जब वो आइस पे छींटे मार रहे हैं तो मुंह में पानी भर के फिर उनको अपनी आइस पे छींटे मारनी है, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी आइस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जितनी भी आइस से डस्ट इम्प्योरिटीज बिकॉज आजकल पॉल्यूशन भी बहुत है वो इजिली बाहर आ जाता है. तो मुंह में पानी भर के फिर उनको अपनी आइस पे छींटे मारनी है. और नंबर वन और टू तो स्पेशली प्रोन है आइस डिजीज के, आईसाइट वीक के. आइस डिजीज का कारक नंबर सिक्स है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी को आइज में वीकनेस है तो वन और टू, लेकिन अगर आइस डिजीज है जैसे आपको कैटरेक्ट है, आपको आइस की सर्जरी हो रही है या फिर आइज में कोई डिजीज है किसी भी तरह का तो उसके लिए छह नंबर रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर आईसाइट अपने बच्चों की ठीक रखनी है तो आपको क्या करना चाहिए कि नैना देवी, आप लोगों ने सुना होगा नैना देवी मंदिर में, अगर आप चांदी के चक्षु, बिकॉज नैना की बात हो रही है, आइस की बात हो रही है, तो नैना देवी मंदिर में अगर आप चांदी के चक्षु डोनेट करवा देते हैं बच्चे के हाथ से, स्पेशली अगर वो वन या टू या सिक्स हैं तो उनको स्पेशली ये रेमेडी करनी चाहिए किसी भी संडे को, मंडे को, पूर्णिमा पे या फिर नवरात्रों में, अगर वो वहां पे डोनेट कर देते हैं तो उनको आईसाइट प्रॉब्लम नहीं आती. इट्स अ वेरी गुड रेमेडी. तो ये स्पेशली मैंने इसीलिए कवर करी है बिकॉज ये मदर्स को बहुत ज्यादा यू नो बच्चों के लिए टेंशन है कि वो आईसाइट वीक ना हो जाए कहीं. तो आई दे कैन डू दिस रेमेडी, एक तो आईज पे छींटे मारने वाली, ठीक है, व्हेन दे आर डूइंग दिस तो मुंह में पानी भर लेना उनको. और आजकल तो प्लेंटी ऑफ कैरेट है तो बच्चों को कैरेट जरूर खिलाइए, एनी हाउ जैसे भी आप खिला सके कैरेट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खाना चाहिए. Okay. So all those who are born on all those who have basic or destiny 2, okay, basic destiny में मैंने आप लोगों को calculate करना बताया था ना, तो all those who have basic or destiny 2, please raise your hands, rest raise your please down your hands, number one कभी hand raise है अभी भी, please raise your hand all those destiny number 2 and only two number people, please raise your hands, rest down your hands. यस मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है. आप टू नंबर, तो मेरा बेसिक नंबर टू है और डेस्टिनी नंबर नाइन है, पर मुझे टू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आईसाइट वीक है तो आपको? हाँ बस आईसाइट की इश्यू, बाकी साइनस का कोल्ड, लंग्स कोई इश्यू नहीं है. बहुत अच्छी बात है, नहीं है लेकिन आईसाइट प्रॉब्लम तो आपको है ही ना टू नंबर की प्रॉब्लम. हाँ वो एक्चुअली मेरी मदर से हेरिडिटी आया हुआ है. नहीं देखिए कहीं ना कहीं नंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए वैष्णवी जी. क्या आप दो नंबर हो इसीलिए आपके? ओके ओके चल लविता जी. नमस्कार मैम. ओम साई राम. ओम साई राम मैम. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो साइकिक नंबर है वो टू है और मेरा जो कंडक्टर नंबर है डेट इज एट, लाइफ पाथ नंबर मेरा एट है. ओके तो क्या क्या प्रॉब्लम है टू की? अर्थराइटिस भी आपको? मैम टू वाली प्रॉब्लम तो मुझे कुछ नहीं है, आईसाइट वीक है मेरी, लेकिन मेरे को बैक एक बहुत ज्यादा रहता है जिसका सोल्यूशन किसी भी मेडिसिन से हो नहीं रहा है. मैं दो तीन महीने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैंने बहुत सारी मेडिसिंस ले ली बट रिलीफ सबसे आता है लेकिन सिर्फ दो दिन, तीसरे दिन द प्रॉब्लम इज सेम. तो बिकॉज़ देखो एट जो है वो कहीं ना कहीं नसों का कारक है बॉडी में, तो आपकी नसें वीक हो रही हैं और अभी प्रेजेंटली क्या दशा अंतर दशा चल रही है उसी से कुछ डायग्नोस हो पाएगी प्रॉब्लम. मैम अभी तो मेरी मंगल में मंगल की दशा चल रही है. मैम मैं कुंडली की बात नहीं कर रही, मैं न्यूमेरिक दशा की न्यूमरोलॉजी का आप कर रहे होंगे. जी जी जी. तो मैम मेरा ईयर नंबर इज सेवन, मेरा ईयर नंबर सेवन चल रहा है. ईयर नंबर सेवन चल रहा है मतलब अगर मैं अपना ईयर नंबर कैलकुलेट करती हूँ तो डेट इज सेवन. ओके
पर्सनल ईयर की बात कर रही हूँ ना, पर्सनल ईयर की बात कर रही हूँ, पर्सनल ईयर नहीं यूज करते हम, वैदिक की बात कर रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम रोशु ग्रिड की बात नहीं कर रहे हैं। ओके दैट आई डोंट नो मैम कि मेरी दशा महादशा क्या है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। हाँ तो ये आपके चार्ट पे फिर वर्क करना पड़ेगा, तो या तो आप मुझे बाद में बात करिएगा, मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, ठीक है? नो वरी, तो आपके चार्ट पे वर्क करा जाएगा और आपको डेफिनेटली हम बहुत अच्छी रेमेडी सजेस्ट करेंगे। आई हैव फुल फेथ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम मैम। ओम साई राम, थैंक यू फॉर द फीडबैक। ओम साई राम मैडम। ओम साई राम जी, व्हाट्स योर नेम, अपने नेम से आओ प्लीज। या पंकज अग्रवाल मैडम। अच्छा ओके, हां जी पंकज जी बताइए। हां मैडम, एक्चुअली जैसे मेरा टू नंबर के रिलेटेड आया था, ऐसे थोड़ा वीक है, और जैसे आप बोले ना जैसे कंफ्यूजन रहता है, ओवर थिंकिंग रहता है थोड़ा, तो वो चीज है मेरा, मतलब ओवर थिंकिंग ज्यादा होता है, तो थोड़ा कभी मतलब ये थोड़ा प्रेशराइज भी हो जाता है मतलब। और मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है। ओके हाँ, तो दो के लिए मतलब मेजर प्रॉब्लम्स है, मतलब मैंने एसिड का थोड़ा वीक है और मतलब और ये है माइंड रिलेटेड थोड़ा बोल सकते हैं आप इसको। चलिए मैं 2 की रेमेडी बता देती हूँ, जिन जो लोग भी 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, एक तो उनको अभी पूर्णिमा आने भी वाला है, एक तो उनको पूर्णिमा फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मंडे तो महीने में 4 आते हैं, पूर्णिमा तो 1 ही आते हैं, 2 ही आते हैं सॉरी, तो पूर्णिमा सॉरी 1 ही आता है, पूर्णिमा फास्टिंग जरूर करनी चाहिए उनको। पूर्णिमा की पूर्णिमा नहीं कर सकते वो, तो उस दिन उनको एटलीस्ट वाइट चीजें दान करनी चाहिए, जैसे दूध चावल चीनी कुछ भी, वो जो भी दान कर सके, दे शुड डोनेट टू एनी फीमेल, ठीक है? तो हर पूर्णिमा को करना है कि मैडम ये दान? हाँ सिर्फ पूर्णिमा को ही करना है। ओके ओके ओके, मंडे को भी कर सकते हो, लेकिन पूर्णिमा की पूर्णिमा कर लोगे तो भी इफेक्टिव है। चलेगा चलेगा। और फास्टिंग बोलो, फास्टिंग बोलते हैं पूरा इवनिंग में खाना चाहिए बस, है ना? फास्टिंग बोलते कैसे रहना चाहिए, मतलब कैसे कैसे फास्टिंग ऐसे होती है कि सुबह होगी सत्यनारायण की कथा, उसके बाद आप जब चांद निकलेगा चांद को आप अर्घ देके फिर आप एक टाइम खाना खाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है। पूरे दिन में आप फ्रूट्स खा सकते हो, देखो वैसे भी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, अगर हम इसका साइंटिफिक रीजन भी देखें तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, तो मंथ में अगर एक फास्ट रख लोगे और अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हो तो बुराई क्या है। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो अच्छा है सर मैडम, फास्टिंग तो मैं वैसे भी करता ही हूँ, मतलब ये नहीं है। अच्छा तो, हाँ। तो फिर आप यही मैनिफेस्ट करके फास्टिंग करो कि यस आई एम डूइंग फॉर दिस माय हेल्थ इश्यूज, या फिर फॉर माय ये प्रॉब्लम कि मेरे को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है या मेरे को कंफ्यूजन रहती है ना। एंड यू शुड वियर अ येलो सिट्रीन ब्रेसलेट आल्सो। येलो येलो कौन सा मैडम? येलो सिट्रीन। येलो सिट्रीन क्या है मैडम? ये मतलब ब्रेसलेट है क्या? जी जी क्रिस्टल है ये। ओके 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 ओके, तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैसा, मतलब किस पे पहनना चाहिए? लेफ्ट हैंड में पहनोगे थर्सडे को। ओके ओके ओके, लाइफ लॉन्ग ही पहनना चाहिए मतलब इसको? नहीं जी जी जी। ओके ओके, तो आपके पास मिल जाएगा मैडम ये फिर मतलब? हाँ मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा। ओके ओके मैडम, फिर मैं आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लूंगा फिर मैडम इसके। जी 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 श्योर। ओके ओके मैडम चलेगा। फिर 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में क्या होता है मैडम? 2 और 3 कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि मतलब क्या प्रॉब्लम है 2 और 3 कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ? तो 2-3 कॉम्बिनेशन में आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन वो फिर दशा पर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, कि आपको कोलेस्ट्रॉल इशू तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। ओके देन इट्स फाइन, आप नंबर 2 की ही रेमेडी करिए, आपको 2 की ही ज्यादा। मैम क्या अभी कोर्स डिटेल शेयर करें? मैम मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आप किसी की मेडिकल कंडीशन बता देंगे। 25 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, 2 hours एवरी डे 8 PM to 10 PM। और सबसे पहले इसमें हम क्या क्या सीखेंगे एक बार कंटेंट देख लेते हैं। कौन सा प्लैनेट हमारे कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक नंबर जो है वो एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पार्ट में ज्यादा आने की प्रॉब्लम होती है। एंड उसके बाद एलिमेंट, हर प्लैनेट का एक एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अब 15-20 डिजीज ऑफ ईच प्लैनेट, जैसे मैं आप लोगों को भी बता रही थी कि अभी तो हम 5 या 6 डिजीज कर रहे हैं, तब हम 15-20 डिजीज करेंगे हर एक प्लैनेट के।
रिपीटिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स, कौन से नंबर से एक्चुअली हमें प्रॉब्लम हो सकती है, महादशा अंतर्दशा विच इज द मेन पार्ट ऑफ दिस कोर्स, जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा महादशा अंतर्दशा निकालना, और ये किसी ऐप में भी नहीं निकलती बिकॉज ये न्यूमरिक महादशा अंतर्दशा है, इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, इजी है, टफ नहीं है, लेकिन उसी से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम प्रेजेंटली हो सकती है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया कि दो नंबर से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लाइफ टाइम नहीं रहेगी, वो कब बढ़ सकती है, सिवियर हो सकती है, वो दशा अंतर्दशा बताएगी कि वो क्या कॉम्बिनेशन बना रही है। तो कॉम्बिनेशंस भी हम लोग इसमें कम से कम 15-20 कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं, जिससे हम किसी की हेल्थ इश्यू प्रिडिक्ट करेंगे। उसके बाद रेमेडीज भी काफ़ी अच्छी रखी हुई हैं हमने इसमें, क्रिस्टल रेमेडी, वास्तु रेमेडी, लाल किताब रेमेडी, ठीक है, सम स्पेशल कॉम्बिनेशंस जिनकी मैं अभी बात कर रही थी आप लोगों से। 81 कॉम्बिनेशंस के अलावा कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारी ग्रिड में, तो 15-20 कॉम्बिनेशंस हम मेडिकल में कराएंगे और टोटल 51 कॉम्बिनेशंस हम अपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स में कराते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ मेडिकल की बात हो रही है। तो 15-20 कॉम्बिनेशंस हम इसमें करने वाले हैं। उसके अलावा स्पेशल कवरेज ऑन क्रॉनिक डिजीज, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ये क्रॉनिक डिजीज है और बहुत ज़्यादा लोगों में देखे गए हैं कि आजकल ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पे हम लोग एक स्पेशल, मेरा जो मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने मेरा जो रिसर्च है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रुद्राक्ष रेमेडी, विच नंबर शुड बियर विच रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष के भी अपने मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, तो कौन से नंबर को कौन सा रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मंत्रा रेमेडी, मतलब बिल्कुल इफेक्टिव कोर्स है ये, और 2700 इसकी फीस है, लेकिन जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर भी है। ये दो कोर्सेज, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष कोर्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री है इस वर्कशॉप के साथ, बट फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स ओनली, जो पहले 20 लोग ज्वाइन करेंगे, बाकियों को नहीं दिया जाएगा ये, बिकॉज क्रिस्टल्स जो है ये भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे को किसी को रेमेडीज देने में, कि कौन सा क्रिस्टल कौन से जोडियक साइन को या कौन से नंबर को वेयर करना है। ये जोडियक साइन भी हम कवर करेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि कभी कभी आप लोग देखोगे कि आपके पास वो नंबर नहीं है लेकिन फिर भी आपको उस नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो या तो दशांतर दशा या फिर जोडियक साइन, तो जोडियक साइन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का ये कोर्स है, इसमें कौन से नंबर को कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, मैंने देखा है कि लोगों ने ना बहुत सारे क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन पहनने होते हैं विदाउट नोइंग कि उनको वो पहनना भी चाहिए कि नहीं, तो ये इस कोर्स में डिटेल में कराया जाएगा कि कौन से नंबर को या कौन से जोडियक साइन को कौन सा क्रिस्टल पहनना है। उसके अलावा क्रिस्टल वाटर बनाना सिखाया जाएगा आप लोगों को, क्रिस्टल ग्रिड बनानी सिखाई जाएगी इसमें, मनी ग्रिड, रिलेशनशिप ग्रिड, तो ये भी काफ़ी डिटेल कोर्स है, 2100 इसकी फीस है। उसके अलावा रुद्राक्ष का कोर्स हमारा 2100 का है, इसमें कौन से मुखी को कौन सा रुद्राक्ष पहनाना है, मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या है रुद्राक्ष के, और भी क्या यूजेस रहते हैं रुद्राक्ष के, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव कोर्स है कि कौन से थ्रेड में कौन से नंबर को पहनना चाहिए ना, बहुत सारे मिथ होते हैं हमारे माइंड में, तो सारे जितने भी मिथ हैं वो क्लियर करे जाएंगे इस वर्कशॉप में। तो 5 दिन की तो मेडिकल की वर्कशॉप चलेगी, और उसके अलावा जब हमारी क्रिस्टल हीलिंग या रुद्राक्ष की जो पेड वर्कशॉप होंगी उसमें जो हमारे फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, क्योंकि ये दोनों बोनस ऑफर्स रहेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स के साथ। ईयर एंडिंग चल रहा है तो हमारे सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट और ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप लोगों को कोई भी कोर्स करना है सायरम पेशेंट्स का तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर्स आप लोग लिख लीजिए, 8377091209999999558433। अभी नंबर्स के बारे में बात करेंगे, अभी आप लोग की क्वेरीज भी लूंगी, बट कोर्स डिमांड आ रही थी तो फिर पहले हमने इसके कोर्स रिवील कर दिया। सर्टिफिकेट तो एक ही मिलेगा मेडिकल का, लेकिन आप लोग कोर्सेस कर पाओगे हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष के, ठीक है, नॉलेज आप लोगों को पूरी दी जाएगी क्रिस्टल हीलिंग में क्या कैसे क्लींजिंग और प्रोग्रामिंग करनी है क्रिस्टल्स की, और रुद्राक्ष जो है ये जो कौन सा नंबर को कौन सा बीज पहनना चाहिए, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ओरिजिनल है कि नहीं है, बहुत सारे मिथ होते हैं ना रुद्राक्ष को लेकर, वो सब क्लियर करे जाएंगे इस वर्कशॉप में।
तो बहुत ही इफेक्टिव रहने वाली है ये वर्कशॉप, क्योंकि 5100 इसकी फीस थी ओरिजिनल, सो 2700 अभी फिलहाल हमने रखी हुई है इसको डिस्काउंट करके. और बिकॉज हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, तो जिनको भी ज्वाइन करना है फर्स्ट 20 पीपल को ये दो कोर्स दिए जाएंगे, तो जो पहले 20 लोग ज्वाइन करेंगे उनको तो ये वर्कशॉप ऑलमोस्ट फ्री हो गई, क्योंकि 4200 के गिफ्ट तो ऑलरेडी उनको मिल गए. तो जिनको भी ज्वाइन करना है, मैम प्लीज रिपीट फोन नंबर, प्लीज रिपीट योर कॉन्टेक्ट नंबर. 8377091209 9999558433. अभी हम नंबर टू की, अभी किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए. फोन नंबर फिर से बताओ. ओके 8377, मैं लिख भी देती हूँ चैट बॉक्स में, 9999 9999 9999 9999. अभी किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरी है या नंबर टू वाले लोग जो हैं वो अपने एड्रेस भी हम बात करते हैं उनसे. निशा सिंह जी, हेलो. साइरा मैम. ओम साइरा. निशा जी. हाँ जी मैम, मेरा डेस्टिनी नंबर मूलांक 2 है एंड भाग्यांक मेरा 5 है मैम. एंड मैम मुझे लाइक वाटर रिलेटेड इश्यूज तो होते ही रहते हैं एंड कोल्ड कफ भी. दोनों नंबर आपके पास ऐसे जी? ओके. मैम ये काम करते हैं? हाँ थोड़ा. मैम ये 2 and 5 क्या एंटी होते हैं? नहीं, 2 and 5 तो फैमिली है. हाँ नहीं सॉरी, 2 and 5, यस 2 and 5 एंटी होते, एंटी नहीं होते. तो 2 तो 5 को अपना फ्रेंडली मानता है, बट 5 मानता है. ये दो ऐसी पिता पुत्र की जोड़ी है जो 1 और 8 और 2 और 5 जो एंटी नंबर्स माने गए हैं. ओके तो मैम ये मतलब लाइक हार्मफुल होंगे फिर मेरे लिए? हार्मफुल तो नहीं होंगे, अगर आप रेमेडीज प्रॉपरली कर लो, आप न्यूमरोलॉजी को ढंग से समझ लो, तो कोई नंबर हार्मफुल नहीं है. मोदी जी 8 नंबर हैं जी, शाह जो है वो 4 नंबर है, तो कोई कोई नंबर खराब नहीं है मेरी नजर में. आई एम माइसेल्फ नंबर 4. ओके ओके. यस मैम, यस मैम. सो मैम इसके लिए क्या रेमेडी होगी कि मेरे लिए मतलब लाइक दोनों अच्छे हो? तो आप तो अभी तो 2 नंबर्स रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है, अभी तो हम सिर्फ मेडिकल की बात ही कर रहे हैं. तो आप जी जी 2 नंबर की मैंने भी रेमेडी बताई थी ना लास्ट, अभी किनको बताई थी? यस मैम, यस मैम. हाँ मैंने नोट की थी मैम. जी जी बिल्कुल. ओके पूर्णिमा का फास्ट तो मैम मैं वही करूँ फिर? जी जी अभी आने भी वाली है 19 को. ओके 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 ठीक है मैम. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर द कंफर्मिंग. जसवीन कोचर जी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग जसवीन जी. मैम मेरा बेटा है 2 and 8, बेसिक इज अ 2 एंड डी इज अ 8. जो आपने ये प्रॉब्लम बताई है ना, आई साइट भी वीक है उसकी और सिलेंड्रिकल नंबर है, एंड आपने कफ कोल्ड का भी बताया था वो भी है सेम. तो मैम मैंने पूछना था क्या कोई स्किन रिलेटेड भी होता है नंबर 2 से या 8 से? स्किन के कारक तो हाँ 8 नंबर है स्किन का कारक. ठीक है मैम, वो फिर आगे आएगा ना? हाँ जी मैम. मैम वैसे भी मैंने यहाँ पे जो न्यू है ज्वाइनिंग उनको कुछ कहना चाहूंगी कि जो भी सोच रहा है मैम को ज्वाइन करने का, प्लीज आप मैम को ज्वाइन करना. शी इज वेरी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा समझाते हैं. इवन मैं तो इनका वेबिनार भी नहीं छोड़ती जबकि इनकी मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.
रवि जी हेलो मैम साई राम रवि जी मैम आप थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि टू एंड फाइव एक दूसरे के लिए उतना अच्छा नहीं होता है तो मेरा बर्थ डेट है 20 जून जेमिनी है हम तो मेरे लिए फाइव नंबर कैसा रहेगा आपका डेस्टिनी क्या है वन नंबर टू एंड वन हुए ना आप तो अच्छा साइन में हुआ जेमिनी हाँ तो सर वो जोडियक साइन जो है उसको हम मेडिकल से रिलेट करेंगे पर कहलाओगे तो आप टू और वन ही मतलब साइड प्रॉब्लम रहेगी या आपको टू या वन से और जो और भी प्रॉब्लम है वो हो सकती है ठीक है जोडियक साइन की आपको हेल्थ इश्यू हो सकता है लेकिन उस केस में आपको रेमेडी नहीं करनी है टू एंड फाइव की ओके मैम और बाकी जो आप यहाँ पर कोल्ड कफ माइंड रिलेटेड सब प्रॉब्लम तो रहता ही है तो देख रहे हो ना टू नंबर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ज्यादा है आप एकदम एक्यूरेट बतला रहे हैं जो है वो एकदम दिख रहा है यहाँ पर कि वही है प्रॉब्लम सबके साथ जी हेल्प करने के लिए थैंक यू मैम मैम ये क्वेरी है मैम शायद सबके मन में भी होगी क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम आने वाली बीमारी पहले से जान पाएंगे मैम और क्या हम उसकी रेमेडी करेंगे और क्या हम उससे कुछ हद तक बच पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमें क्या हेल्थ इश्यू हो सकता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं ना अगर हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो वो चीज हमें इतना परेशान नहीं करेगी या हम अगर उसकी रेमेडी कर लें तो हम उस प्रॉब्लम को देखो जो डेस्टिनी में लिखा है वो प्रॉब्लम तो होगी लेकिन हम उसकी पेस स्लो कर सकते हैं हम उसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें सपोज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा किसी प्रॉब्लम के लिए तो हम हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा हम घर पे ही ठीक हो जाएंगे दवाई लेके तो इतना डिफरेंस पड़ता है रेमेडी करने से और जहां तक प्रिडिक्शन की बात है तो मेडिकल वैदिक न्यूमरोलॉजी इज द ओनली साइंस जिससे हम नंबर्स की महादशा और अंतरदशा निकाल के हम लाइफ का कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं नॉट ओनली मेडिकल एनी इवेंट वी कैन प्रिडिक्ट हेलो मैम मैम मेरी डॉटर का डेस्टिनी और कंडक्टर दोनों मतलब मूलांक और भाग्यांक दोनों दो हैं तो उसको आइस की भी प्रॉब्लम है और कफ कोल्ड भी जब से हुई है तब से रह रही है बिल्कुल बिल्कुल 9 इयर्स की हुई है उसका बर्थ है 29 मार्च 2013 तो मैम उसको तो रहेगी ये टू की प्रॉब्लम तो आप पूर्णिमा पे फास्टिंग कर सकते हो बेटी के लिए मैम थोड़ा आप बता दो क्योंकि मैं ना किचन में एक्चुअली चली गई थी तो मिस हो गया उधर मेरा आपने जो भी बताया किसी को बताया शायद अभी पता लगा मुझे हाँ अभी रिकॉर्डिंग वैसे भी यूट्यूब पे आएगी चलो मैं फटाफट बता भी देती हूँ पूर्णिमा पे फास्टिंग करनी है और उसके हाथ से आप दूध चावल चीनी डोनेट कराइए किसी फीमेल को कर लें ठीक है दूसरा आप उसको येलो सिट्रीन का गले में एक क्रिस्टल पहना दो बिकॉज हाथ में तो वो पहनेगी नहीं येलो सिट्रीन का क्रिस्टल पहना दो गले में और चांदी के ग्लास में अगर हो सके तो उसको पानी पिला दिया करो ठीक है मैम थैंक यू मैम थैंक यू सो मच विनीता जी जी मैम मुझे तो पूछना था कि आप इसमें दशा और महादशा के हिसाब से हम लोग जान सकते हैं आगे कि किस तरह से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली बिल्कुल बिल्कुल दशा अंतर दशा मैं आपको निकालनी सिखाऊंगी क्योंकि ना वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोई ऐप नहीं है जैसे एस्ट्रोलॉजी का होता है उसमें दशा अंतर दशा देख लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐप नहीं है तो हमें इसको मैन्युअली ही कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है मैम मैंने वैसे एनरोल कर दिया है थैंक यू वेरी मच रुचि अरोड़ा जी ओम साई राम मैम ओम साई राम रुचि जी मैम मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इसलिए मेरे को कोर्स का इतना पता नहीं चला एक तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का होगा 5 डेज का और उसके साथ जो आपने दो कोर्सेज बताए हैं वो कितने दिन के हैं एडवांस क्रिस्टल हीलिंग तो अराउंड 10 to 15 डेज का है और रुद्राक्ष का कोर्स 3 डेज का है ये दोनों कोर्सेज जो है ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को जो ज्वाइन करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी मैम ये होंगे कब
ये जब भी होंगे इन ग्रुप्स में आपको ऐड कर देंगे, मेडिकल के बाद ही होंगे। अच्छा, होते ही यही 8 to 10 ऐसे ही होगा टाइमिंग? नहीं, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग तो आफ्टरनून में होता है। ओके, का कोर्स का अभी कोई प्लानिंग नहीं है, तो मे बी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दें लास्ट कोर्स की। मैम मेरे को लिंक भी नहीं मिला, आप मेरे को पेमेंट का लिंक दे। हाँ, मैं अभी, आप मुझे, आप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको इमीडिएटली आफ्टर क्लास शेयर हो जाएगा। मैम मैंने आपके नंबर पे मैसेज कर दिया है। ठीक है ठीक है, आपको शेयर करते हैं, क्योंकि मैं तभी पेमेंट कर पाऊंगी। जी जी जी, डेफिनेटली। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मैम कोर्स की डे और टाइमिंग फिर से शेयर कर देंगे? कंफ्यूजन जन सुखा वेल रहेगा। ये दो कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एब्सोल्युटली 2100 के दो कोर्सेज हैं। ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप आ रही है आप सबके लिए, अगर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आपको किसी की प्रॉब्लम प्रिडिक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, तो भी आपके पास ऐसे बहुत लोग आएंगे कि मेरे पास ना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट करूँ डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इवेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो चलिए मैं अपना प्रोफेशनल कोर्स भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये हमारा 6-in-1 न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स है, 6-in-1। तो इसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी इसका एक पार्ट है। तो जो लोग मेडिकल करेंगे, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे इस ग्रैंड कोर्स को, ये प्रोफेशनल कोर्स है हमारा, तो इसको करना चाहेंगे तो मेडिकल की फीस उनकी डिडक्ट कर दी जाएगी और वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात की बात है, लेकिन हम इस, ये जितने भी इवेंट्स हैं, मतलब जितने भी कोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब हम आदशा अंतरदशा यूज करके ही एनालाइज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीखना कि प्रेजेंटली कौन से नंबर की दशा और अंतरदशा चल रही है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिस नंबर की दशा या अंतरदशा चल रही होती है न्यूमरोलॉजी में, उसी नंबर की ही एस्ट्रोलॉजी में चल रही होती है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आप लोग ये कर सकते हो, बिकॉज हमारा वैसे भी ये ग्रैंड मास्टर कोर्स करने के बाद आपको जो हम सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का ही देते हैं हम, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी की तरह ही हम प्रिडिक्ट करते हैं ना। तो बहुत इफेक्टिव कोर्स रहने वाला है इसका, और मैं तो यही कहूंगी कि सबको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। और अगर हम किसी की मेडिकल कंडीशन देख लें क्या चल रही है, तो काफी सारी प्रॉब्लम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए अब नंबर 3 की बात करते हैं। जो भी लोग नंबर 3 से रूल हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक या डेस्टिनी नंबर 3 है, जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो ये लोग अगर कोई भी गलत रास्ता अपनाएंगे या शॉर्टकट मेथड ऑफ अर्निंग मनी यूज करेंगे, तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज नंबर 3 वालों को कोई एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, उनको शॉर्टकट मेथड्स नहीं अपनाने, है ना। दे शुड बी फेयर इन देयर डीलिंग्स, इन देयर वर्क विद देयर फैमिली, राइट। तो बिकॉज नंबर 3 रिप्रेजेंट्स आवर लीवर। रुचि जी अभी आपको शेयर हो जाएगा, डोंट वरी, अभी आपको डिटेल शेयर हो जाएंगे आफ्टर क्लास। मिथिलेश जी बोल रहे हैं तम्मय मूलांग वाला वैदिक रेमेडी कर सकता है 1 नंबर 3। 8 नंबर वाला जो है उसको 1 नंबर की कौन सी वैदिक रेमेडी करनी है, वो सर हम आपको कोर्स में बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ड्राइवर 8 कंडक्टर 6 की बारी अभी नहीं आई, पेमेंट लिंक अभी मिल जाएगा, राजकुमार सिंह डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो बिकॉज ये हमारे लीवर एरिया को रूल करते हैं नंबर 3, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लीवर रिलेटेड इश्यू, बिकॉज जितने नंबर 3 वाले हैं उनको मोस्टली ओबेसिटी, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल हाई रहने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम इनको होती है। किसी किसी को तो सिरोसिस भी हो जाता है अगर 3 के साथ कोई बैड कॉम्बिनेशन हो रहा है तो। फैटी, डायबिटिक, ठीक है, तो डायबिटीज हम नंबर 3 से भी देखते हैं और नंबर हम 6 से भी देखते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज कम्स अंडर नंबर 3। पैरालिसिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब नंबर 3 वालों को हो सकती है, ठीक है। तो ऑल दोज हुआ नंबर 3 ओवर हेयर, वी कैन रेज देयर हैंड्स। ओनली 3 नंबर पीपल रेज देयर हैंड्स, रेस्ट डाउन योर हैंड्स प्लीज। हम 3 नंबर की ही क्वेरीज लेंगे खाली। 2 नंबर वाले जो हैं, ये सागर जी आपका 9 और 2 है, तो आप प्लीज 2 की रेमेडी जरूर करिए।
बाकी देखिए कोर्स में तो हम दशांतर दशा के हिसाब से रेमेडी सजेस्ट करते हैं, बिकॉज जो दशांतर दशा नंबर्स होते हैं ना उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होती है लाइफ में, तो वो तो हम अपने कोर्स में ही कर पाएंगे, बिकॉज अभी आधे घंटे में आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगे और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे, लेकिन अभी आप लोग को जनरल रेमेडीज इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग अपने बेसिक या टेस्टिंग नंबर का सपोर्ट ले सकें। ठीक है, सुरेखा पाटिल जी, हेलो मैम। ओम साई राम सुरेखा जी। ओम साई राम मैम, मेरा मूलांक 7 है और भाग्यांक 1 है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है और कुछ भी काम नहीं बन रहा है। अभी 3 नंबर की बात हो रही है मैम, चलिए 1 नंबर तो अभी अभी गया ही है, तो आप बताइए आपको 1 नंबर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन बोला ना आपने। हाँ ओके, क्या हेल्थ इश्यूज क्या क्या है आपको? वो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो बोन से रिलेटेड नंबर 1 में आ गया। हाँ, बोन्स रिलेटेड है और माइग्रेन का है, वो भी नंबर 1 का ही है। हाँ, और टीथ प्रॉब्लम आती है। क्या आपका जोडियक साइन क्या है, आपका मंथ क्या है बर्थ का? 2 फेब है। फेब्रुअरी बॉर्न हो आप? हाँ, फेब्रुअरी में। तो 2 कैसे हो गया? फेब्रुअरी 7-1, 7-2 मूलांक 7 है और भाग्यांक 1 है, ड्राइवर 7 कंडक्टर 1। नहीं नहीं, आप फेब्रुअरी बॉर्न हो तो आपका जोडियक साइन तो एक्वेरियस हुआ ना? हाँ, एक्वेरियस हुआ। हाँ, तो आप 2 बोल रहे थे ना? नहीं। अच्छा, आपका जोडियक साइन एक्वेरियस हुआ तो एक्वेरियस के रूलर है सैटर्न 8 नंबर, तो इसी वजह से वो 8 और 1 जो है ये दोनों ही हमारे बोन्स के कारक है, तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम इसीलिए आपको ज्यादा होगी। हाँ, है, ज्यादा ही है बिल्कुल। तो बाकी तो मैम दशांतर दशा कैलकुलेट करके ही पता चलेगा कि अभी क्या ज्यादा हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, तो या पर्सनल कंसल्टेशन पे जाइए या आप ही कोर्स ज्वाइन करिए, आप खुद ही समझ जाओगे। ओके मैम, ज्वाइन करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम, फॉर कंफर्मिंग। थैंक यू। देखिए मेरे लिए तो अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो भी उससे ज्यादा तो मेरी फीस ही है, 3300 आई चार्ज, लेकिन आई रियली वांट यू पीपल टू गेट एजुकेटेड कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, क्योंकि आप सिर्फ एक अकेले जने पढ़ोगे और आप कितनों का, अपनी फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का, मे बी आप प्रोफेशनली भी फॉलो कर लो, भला कर सकते हो। B240 प्लीज अपने नेम से आया करो, आई डोंट लाइक repeating such numbers. V2040G. Mehak ji. Hello ma'am. Mehak ji. Ma'am, ye mamma ka hai 3 number basic aur destiny 2. Okay. Unhe diabetes aur fat bhi hai. High diabetes hai unhe. नंबर वालों को रहता है। चलिए मैं रेमेडी दे देती हूँ मम्मा के लिए। एक तो उनको एवरी थर्सडे को गाय को गुड़ और चने की दाल खिलानी है। ओके। कितनी बार 3 रिपीट हो रहा चार्ट में? क्या डेट ऑफ बर्थ है? 3 नवंबर 1977। ओके। थायराइड भी है मम्मा को? यस, हाई है। डेट ऑफ बर्थ से पता चला। ओके, तो मम्मा को एक तो येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनना है, एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहनना है और एवरी थर्सडे गाय को गुड़ और चने की दाल खिलानी है। ओके, थैंक यू मैम। लविता जी, हैंड्स डाउन कर लीजिए बाकी नंबर्स अगर किसी का नहीं है। मैम आई थिंक लविता जी का हो गया था। रूप कुमार जी, रूप कुमार जी अनम्यूट करिए।
कुमार जी अनम्यूट करिए। चलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि 25 से हमारा ये कोर्स आ रहा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, और फर्स्ट 20 लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको ये दो कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे, वास क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष का कोर्स। और ये मेडिकल का कोर्स हमारा, ये कोर्स कंटेंट आप लोगों को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि क्या क्या कराने वाले हैं हम लोग इसमें। और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, PDF मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा जो लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग सब डॉक्टर्स ऑलमोस्ट बन जाएंगे, क्योंकि इसमें हम ना ही सिर्फ आपको डिजीज डायग्नोस करना सिखाएंगे, आपको उसको क्योर करना भी सिखाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर बहुत टाइम से आप लोग किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके बॉडी में साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्यों ना हम प्लानिटरी रेमेडीज करके, यानी कि कुछ वैदिक रेमेडीज करके, या मैं जैसे कुछ टोटकास भी कराने वाली हूँ इस क्लास में, लाल किताब रेमेडीज भी कराने वाली हूँ जिनकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वो करके अगर हम अपनी हेल्थ कंडीशन बेटर कर पाए अपनी किसी की भी या अपनी, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है लाइफ में। उससे बड़ा कोई फायदा नहीं है कि अगर हम किसी की हेल्थ इश्यू ठीक कर दें, हम किसी को जीवन दान दे दें यानी कि उसका डिजीज ठीक कर दें, तो इससे बेटर हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। तो आई नेवर टेल एनीवन टू जॉइन माय कोर्सेज, बट आई रियली अर्ज दैट एवरीवन शुड जॉइन, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है इस बार इस कोर्स पे, 5100 का कोर्स हम 2700 में लाए, और दो कोर्सेज ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष और क्रिस्टल जो है ये बहुत अच्छी रेमेडीज रहती हैं किसी भी हेल्थ इश्यू के लिए या इवेंट्स के लिए। और तो काफी आई थिंक आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, आपको अपने नियर वंस को भी बोलना चाहिए कि ज्वाइन करो। और एक लाल किताब रेमेडी जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं बाय द एंड शेयर करने वाली हूँ, तो अगर किसी को भी प्रोलॉन्ग हेल्थ इश्यू है ना, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है कि बार बार उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक तो एक सीताफल जो कद्दू आता है वो लेना चाहिए, थर्सडे को करना है, बिकॉज जुपिटर जो है वो जीव कारक माना जाता है उनको, एस्ट्रोलॉजी में भी न्यूमरोलॉजी में भी जुपिटर इज जीव कारक। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको जुपिटर का ही सहारा लेना पड़ता है, जुपिटर की रेमेडीज ही हम लोग उनको कराते हैं। तो सीताफल लें, जो डिजीज पर्सन है उसके सिर से 7 times आपको एंटी क्लॉक वाइज वारना है, एंड उसको फिर गाय को खिला देना। ऐसा आप थर्सडे को कंटिन्यूसली करें, एक थर्सडे करने से नहीं आराम आएगा, मैं पहले से ही बता रही हूँ, कंटिन्यू करो एटलीस्ट 3 months तक, तो डेफिनेटली उस पर्सन की हेल्थ बेटर होगी। और दूसरी रेमेडी आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो अगर जो डिजीज पर्सन है उसकी जो मेडिसिन है, मैंने देखा है कि बेड साइड पर पड़ी रहती हैं, खुले में पड़ी रहती हैं, ऐसे दिस शुड नॉट बी डन। मेडिसिन शुड ऑलवेज बी केप्ट इन अ वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स में वो मेडिसिन को रखना है, और फिर उसको अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में मेडिसिन रखने से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है पर्सन को, तो वुडन बॉक्स में डाल के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम अपने मेडिसिन बॉक्स को रखते हैं तो दैट इज मच बेटर। कोविड में तो मैंने कितने लोग जो जिनको कोविड हुआ था उनकी फोटो जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगवा के रेमेडी करवाई थी, तो काफ़ी जल्दी रिलीफ मिला था, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है वो ब्रेन माना गया है वास्तु पुरुष का, तो नॉर्थ ईस्ट से हम अगर रेमेडीज करते हैं तो हेल्थ इश्यूज एटलीस्ट बेटर होते हैं। तो हेल्थ इश्यूज की ही बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, तो काफ़ी इफेक्टिव रहने ऐसी ही कुछ लाल किताब रेमेडीज जो ईजी भी हैं और जिनकी जो ये टोटके हैं लगते भी हैं, तो ऐसी कुछ रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक बार जैसे किसी को अगर अपना पता हो कि मुझे राहु से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज राहु जो है वो ऐसे डिजीज देते हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाते। स्किन डिजीज के लिए तो मैम देखिए ये तो जनरल रेमेडीज है ना, स्किन डिजीज के लिए क्या नंबर रिस्पॉन्सिबल है, फिर आफ्टर ऑल तो हमें उस पर भी जाना ही पड़ेगा, बट येस यू कैन डू इट एब्सोल्युटली। और एक स्किन डिजीज के लिए चलिए मैं बता देती हूँ रजनी जी, आप बिकॉज आई थिंक आपने अभी हमारा कोर्स करा है ना रामबन रेमेडी का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है,
तो मैं एक बता देती हूँ रेमेडी इन डिजीज के लिए क्या आप रेमेडी कर सकती हैं। आपको एक तो गाय को जो है वो चारा खिलाना है या फिर आप कोई भी ग्रीन चीज खिलाइए। वेडनेसडे को गाय को आप पालक खिलाइए, आप खीरा खिलाइए, एनीथिंग ग्रीन, या फिर आपको एक ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेस्लेट वेयर करना चाहिए। तो काफी इफेक्टिव रहने वाला है ये कोर्स, बिकॉज रेमेडी स्पेशल भी है ये कोर्स। अभी हमारा रामन रेमेडी का भी वर्कशॉप हुआ तो उसमें तो हमने कुछ टोटके करे थे, लेकिन इसमें हम प्लैनेटरी रेमेडीज भी करने वाले हैं। ठीक है, हर एक प्लैनेट से रिलेटेड क्या डोनेशंस करनी है, क्या मंत्रा करना है, कौन सा क्रिस्टल पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, ये सब भी हम डिटेल में इस कोर्स में करने वाले हैं। तो काफी इफेक्टिव रहने वाला है ये कोर्स जो लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, राहु के लिए, यस, राहु की अगर प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ज्यादा होती है किसी को भी, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको 40 डेज तक किचन में बैठ के ही खाना खाना है, स्पेशली नाइट का। ठीक है, 40 डेज तक उनको किचन में ही फूड लेना है, स्पेशली फॉर नाइट। तो काफी हद तक राहु की प्रॉब्लम कम होती है, बाकी तो और रेमेडीज भी करनी पड़ती है, क्योंकि राहु इजिली शांत होते नहीं है, बट 40 डेज तक किचन में खाना खाना है रात का। ठीक है, तो आज हमने 1, 2, 3 नंबर्स की बात करी, अब बाकी नंबर्स की बात हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। मेरा नेक्स्ट वेबिनार आ रहा है संडे को 3 PM, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और यस, आज का एक और ऑफर, जो लोग आज के वेबिनार में थे उनको कंसल्टेशन फीस में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। दे जस्ट हैव टू शेयर अस अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट दे वर प्रेजेंट इन द वेबिनार। तो आप लोग अभी अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नाम शेयर कर दीजिए, और आपको कंसल्टेशन में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। बिकॉज मैग जी, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपने नंबर दोबारा से शेयर कर देती हूँ। अभी आप लोगों को लिंक शेयर हो जाएगा फॉर इनको भी कोर्स करना है। मेरा नंबर है 8377091209999999584883। तो जो 3 नंबर्स आज मैंने लिए 1, 2, 3, वो जिनका भी मिस हो गया तो ये वीडियो YouTube पे जाएगी, तो आप लोग वहां से अपना देख सकते हैं, बिकॉज मैंने रेमेडीज भी शेयर करी है हर एक नंबर की। और नेक्स्ट जो बाकी नंबर्स रह गए उनका हम नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे, जो हमारा संडे को है 3 बजे। सागर जी, आपको जल्दी ही कंसल्टेशन मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो आई थिंक आई ट्राई टू जस्टिफाइड माई सेल्फ एंड गिव यू सम नॉलेज रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। Thank you.